हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है, ठीक है, जिसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज जो हैं दे रखी हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में आपका देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या हैं, जॉब ड्यूरेशन क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एक एक चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, जो कि एक ऑफर है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे सबसे पहले आप लोग बता देते हैं। तो ये आपका जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट बुक कोर्स है, एक टेस्ट सीरीज का ये ऑफर है, ठीक है। नॉर्मली यदि आप इस बाई करते हैं विदाउट ऑफ़र तो ये आपको 399 रुपीज़ में आपको ये पड़ता है। बाकी इस समय हम आज लास्ट डेट है, कई दिनों से बता रहे हैं आज लास्ट डेट है, इसे आज बाई करते हैं तो ये आपको ओनली जो है 269 रुपीज़ में, ये आपको ओनली 269 रुपीज़ में मिल जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी ऑफ़र है, इसमें आपको गेट, आपका SSC, JEE, ESC, जितनी स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं जितने भी, उन सबकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 269 रुपीज़ ओनली में। बाकी आपका जितने भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है, चाहे वो बैंकिंग की हो, टीचिंग की हो, डिफेंस की हो, सबकी टोटल 580 एग्ज़ाम्स की जो है टेस्ट सीरीज आपको मिल जा रही है, ठीक है। तो इसका आप बाई करने के लिए आज लास्ट डेट है, तो आप हमारे इस लिंक को जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहाँ से आप बाई कर सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके, ठीक है। तो आपको ये जो 399 रुपीज़ का ये मिलता है ये आपको 269 रुपीज़ में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। तो चलिए अब अपने वैकेंसी के डिटेल के बारे में देखें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। ऑफ़र आपको बता दिया हमने, अब वैकेंसीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल के लिए हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग देख लेंगे। ये सिविल के लिए वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। एक आपका डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर का दे रखा है, ठीक है। उसमें आपका प्रोजेक्ट ऑफिसर वाली जो वैकेंसी है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, 2 अनरिजर्व्ड के लिए हैं और 2 EWS के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। फिर असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का भी है, तो इसमें भी जो नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, 1 अनरिजर्व्ड का है और 1 SC के लिए है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अदर ब्रांचेस के भी दे रखे हैं, तो हम चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दे रखे हैं उसको भी देख लेते हैं। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 21 सितंबर से, ठीक है। और आपका लास्ट डेट जो है सबमिशन का वो है फी पेमेंट आपका 4 परमानेंट पोस्ट के लिए ये दे रखा है, 20 कुछ परमानेंट पोस्ट भी हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हैं, तो उनके लिए 31 तारीख दे रखा है, तो आप उससे पहले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 31 अक्टूबर से पहले। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसमें डिटेल में दे रखा है। तो हम सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी को देख लेते हैं जो सिविल से रिलेटेड है, बाकी इसमें अदर वैकेंसीज भी दे रखी हैं तो उससे हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल के लिए जो वैकेंसी है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिविल की वैकेंसी ये रही, ठीक है, इसको हम देखते हैं आपका। तो आपका डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। आपकी जो सैलरी है वो 53,000 पर मंथ दे रखी है, अदर बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। तो उसको डिटेल में डिटेलमेंट दे रखा है तो बताऊँगा। मैक्सिमम जो एज लिमिट आपका 35 ईयर्स दे रखा है, ठीक है, जो कि आपका कैलकुलेट होगा 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का दे रखा है, यहाँ पर पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 2 EWS के लिए। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 60% मार्क आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। ये डिजायरेबल यदि आपके पास मास्टर्स है सिविल में तो ये आपको और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसमें आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है आपका एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। तो आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया दे रखा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी डिजायर्ड स्किल भी दे रखा है, आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए किसकी, ऑटोकैड और MS ऑफिस की, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अदर ब्रांचेस के लिए भी जो दे रखे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 11 नंबर पर एक और दे रखा है सिविल के लिए ही, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये रहा असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है। ये आपका 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। आपका इसमें जो है 39,750 रुपीज़ आपका पर मंथ आपका सैलरी दे रखा है, ठीक है।
मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स दे रखी है सिविल के लिए, इसमें दो पोस्ट दे रखे हैं, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए। इसमें आपका फुल टाइम डिप्लोमा भी चलेगा और इसमें फुल टाइम आपका बीटेक भी चलेगा, ठीक है। 60% से कम मार्क्स जनरल के लिए नहीं होनी चाहिए, ओबीसी के लिए नहीं होनी चाहिए, 55% एससी के लिए दे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपका जो है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आपके पास डिग्री है तो 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपकी सैलरी की डिटेल के बारे में दे रखा है, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी 53,000 होगी, ठीक है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में देख लेते हैं, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में आपका 39,750 रुपीज़ दे रखा है, और डिप्टी वाले में आपका दे रखा है 53,000 पर मंथ, ये फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में 500 प्लस कर दिया जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये फिर फर्स्ट ईयर में आपका 1,000 और ऐड कर जाएगा, जब थर्ड ईयर में आपका मतलब ईयर होगा इस जॉब का, ठीक है। ऐसे ही इसमें आपको दे रखा है 1,000 पहले जुड़ेगा, फिर 2,000 जुड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन जो भी दे रखा है, एज रिलैक्सेशन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। 3 ईयर ज़्यादा आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन भी जो है वो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी आपका 300 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं दे रखा है। तो आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो CPR लिमिटेड विशाखापट्टनम के थ्रू आपका जो इंटरव्यू होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके थ्रू होगा। यदि अधिक संख्या में यदि फॉर्म फिल किया जाता है तो हो सकता है कि आपके जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसको भी कंसिडर करके आपको फाइनल लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको डिटेल में जो चीज़ें थी यहाँ पर, तो मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है, बाकी अदर वैकेंसीज हैं तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंडियन नेशनल होना चाहिए, ये आपको दे रखा है, ठीक है। बाकी इसमें बताने के लिए जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, ये आपका अप्लाई करने के लिए दिया, हाउ टू अप्लाई। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जो ऑफिशियल लिंक है यहाँ से जा करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में फिल करने के बाद से आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है। जब आप जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ आप इसको लेकर के जाएंगे। ये एक्सपीरियंस डिटेल का आपको परफॉर्मेंस दे रखा है, तो ऐसे आपको एक्सपीरियंस डिटेल अपनी फिल करनी है, तो इसे भी आप डाउनलोड कर लेंगे, लिंक में दे दूंगा, ठीक है। तो बाकी जितनी डिटेल थी इस वैकेंसी के बारे में वो मैंने आपको बता दी है। यदि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी अदर किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे नोटिफिकेशन की वीडियोस डेली मिलते रहें। थैंक यू।